चलो तो दैट इज वेयर नाउ मेजर एडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. भाई क्या क्या किया हम कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए. अगेन सब रिपीट होने वाला है. डू नॉट ओवरड्रॉ द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. मतलब जरूरत है उतना पानी निकालो ज्यादा. मतलब सोसाइटी का बोरवेल, सबके घर का खुद का इंडिविजुअल बोरवेल भी होता है कि जब जितना पानी चाहे निकाल सकते हैं क्योंकि खुद का है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा हो जाएगा, बिल ज्यादा आएगा. लेकिन यूज तो अब तो पेट भर के तो नहा सकते हैं. तो 5 डोल 6 बकेट भर के ऐसे नहा सकते डोल. ओके बट ये क्या है, ये हमारी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, हमारी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा. होती है गलती, एक्सेप्ट एंड ट्राई टू नॉट रिपीट इट. गलतियां तो होगी भाई, गलतियां हुई है, इसीलिए गलती को सुधारते सुधारते हम ह्यूमन बने. गलतियां ना हो, कोई किसी की कोई गलती ना हो, उसने कभी कभी कोई ग्रोथ ही नहीं किया है, उसने कोई नई चीज करने का ट्राई ही नहीं किया है जो एकदम परफेक्ट है. ओके मतलब जिसने गलतियां की ही नहीं. ओके तो वैसा मतलब उसने कभी नया ट्राई ही नहीं किया है कुछ करना. ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, गॉड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूं. ओके कि उसने मतलब तुम कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहोगे, होगी गलती भाई. तुम मास्टर हो ना, सीखे हो तो होगी गलती, क्योंकि सारा नॉलेज तो आ नहीं गया. मास्टर भी धीरे धीरे करके बनते हैं ना. ओके सो गलतियां तो होगी, बट मिस्टेक, डूइंग द मिस्टेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिपीटिंग द मिस्टेक इज अ प्रॉब्लम. रिपीट नहीं करना है. ओके एटलीस्ट रिपीट भी होती रहे. सपोज इट इज नॉट इन अवर हैंड, और मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है. ओके बैड हैबिट्स है, सपोज जल्दी उठना है, बैड हैबिट्स है, नहीं उठ पा रहे, हो नहीं रहा है, हमें पता है कि दिस इज बैड. सो एटलीस्ट ये जो पता होना है, जो इंटेंशन है, नहीं यार आई एक्सेप्ट ये मेरी गलती है, सुबह जल्दी उठना चाहिए बट मैं उठ नहीं पाती, ये जो इंटेंशन है ना, उससे ही देर सवेर हैबिट चेंज हो जाएगी. लेकिन ये इंटेंशन होना चाहिए. हम क्या करते हैं, गलती हो रही है और उसको कवर कर रहे हैं. अरे नहीं, इतना लेट नहीं उठता या नहीं उठती मैं 8:30-9 बजे तो उठ जाता हूँ. अरे कैसा है, 9 बजे उठ गया तो हम गलती को कवर कर रहे हैं. ओके इतना जंक फूड नहीं खाता, सिर्फ वीक में 3-4 दिन ही खाता हूँ. तो भाई ये कवर कर रहे हैं, कवर मत करो, एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट करेंगे और हम खुद को, दूसरों को नहीं बोलना है खुद. हाँ कोई बताने आएगा तुम्हें कितना जंक फूड खाता है, हाँ यार थोड़ा ज्यादा खाता हूँ. एक्सेप्ट करो, कवर करोगे तो कभी छोड़ नहीं पाओगे. गलतियां को प्रोटेक्ट करोगे तो कभी छूटेगी नहीं, लेकिन प्रोटेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो. एट द सेम टाइम खुद को बोलो यार ये तुझे नहीं करना चाहिए. ओके नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना. नेक्स्ट टाइम भी हो जाए फिर भी ऐसा बोलो, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, छूट जाएगा एक दिन. बट प्रोटेक्ट नहीं करना है. प्रोटेक्ट किया तो वो गलतियां भी ऐसे पावर, अरे ये तो अपने को अच्छे से रख रहा है, गलतियां हो रही, मतलब गलतियां भी तुम्हारे पास आके गुड फील करेगी कि ये तो अपने को संभाल लेगा या संभाल लेगी. ओके लाइक दैट. उनको भी प्रोटेक्शन नहीं देना है, डिपेंड्स ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड है नॉन लिविंग, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दैट मींस हम मान रहे हैं कि वो लिविंग है. नॉन लिविंग को क्या प्रोटेक्ट करोगे तुम, करते हो नॉन लिविंग को प्रोटेक्ट, और नॉन लिविंग को प्रोटेक्ट करते हैं क्या ना, मोबाइल है, कार है, प्रोटेक्ट नहीं करते. तो नॉन लिविंग को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कब प्रोटेक्ट करते हैं, जब हमारे माइंड में उसकी एक वैल्यू है. उसकी क्या है, वैल्यू है कि भाई इतने 1000 का मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, 10 लाख रुपीज की कार है, 1000 और 20,000 की साइकिल है. तो ये तुमने वैल्यू, तो अगर तुम्हें कोई चीज को वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी है तो तुम अगेन अटैच हो गए. ओके डी वैल्यू इट, उसको डी वैल्यू करो कि ये सही नहीं है. खुद बोलना है उसको, डी वैल्यू करना है कि ये मेरे से गलती हो जाती है, मैं मेरे फोन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ. बट फिर डी वैल्यू करना मतलब ऐसे नहीं कि फोन को इंपॉर्टेंस हाथ से देना बंद, फेंको ऐसे वैसे डी वैल्यू नहीं, डी वैल्यू अंदर से, फिर जैसे हो रहा हो वैसे करना है. ओके मतलब भावनाओं में बह के पागलपन नहीं करना है. ओके डू नॉट ओवरड्रो. ओके चलो, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर.
टैपिंग द रेन वाटर इन द रिजर्वॉयर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा नया है पॉइंट टैपिंग टैपिंग द रेन वाटर इन द रिजर्वॉयर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब उसको कंजर्व वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर एक्सेट्रा स्पेशली इन ड्राई एरियाज तो ड्राई एरियाज में क्या होता है हम ड्रिप इरिगेशन रखते हैं मतलब टपक सिंचाई ओके ऐसे पानी बूंद बूंद गिरता है इरिगेशन मतलब सिंचाई एंड टपक मतलब ड्रिप ओके तो ड्रिप गुजराती में उसको टपक सिंचाई बोलते हैं सो हिंदी में भी वही बोलते हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट है तो ऐसे पानी चालू कर दिया और पानी बह रहा ड्रिप इरिगेशन रखो कि थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअस उसे मिलता रहे स्प्रिंकलर सिस्टम रखो फव्वारे फाउंटेन तो उसको जितने हैं उतना मिलेगा ऐसा नहीं कि पेट भर के पानी पियोगे हमें तुम अगर तुम दिन का 10 to 12 glass से ज्यादा पानी पीते हो दैट इज नॉट गुड फॉर यू कम भी सही नहीं है ज्यादा भी सही नहीं है तो वैसे भी प्लांट्स के लिए भी है ओके ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा ग्रो हो जाएगा ऐसा नहीं होता हाउ वॉज द वॉटर कंजर्व्ड इन एंशियंट इंडिया पूछा जा सकता है क्वेश्चन एंशियंट इंडिया में कैसे कंजर्व करते थे पहले से ही कंजर्व करते थे ये पूछा जा सकता है ये मतलब इंपॉर्टेंट है इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट का फर्स्ट सेंचुरी ओके इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेर एक्सटेंसिवली बिल्ट ओके इंपॉर्टेंट है ये थियरी मतलब ये पॉइंट पर्टिकुलरली सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव बीन फाउंड इन कलिंगा इन ओडिशा नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड बेन्नूर इन कर्नाटका इन कोल्हापुर इन महाराष्ट्र एक मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट भोपाल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम उस टाइम का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है भोपाल का इन द 14th सेंचुरी तुत्मिस वो साइलेंट है ओके तुत्मिस कंस्ट्रक्टेड अ टैंक इन हाउस खास दिल्ली फॉर सप्लाइंग वाटर इन सिरीफॉर्ट एरिया अब तक का पूछे जाने बाकी सारा ही इंपॉर्टेंट था लेकिन कोई कोई और ज्यादा थोड़े एक लेवल हायर वाला जो पूछे जाने वाला हो तो ये पॉइंट है क्योंकि वो नया है बाकी सब कुछ तुम्हें पता है ना पढ़ा होगा तो भी लिख दोगे वैसा है लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा तभी लिख पाओगे ओके मल्टीपर्पज मतलब हमने डैम बना दिया तो मल्टीपर्पज है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं फिर इरिगेशन में यूज हो रहा है एक्वेटिक लाइफ वो साइड अच्छी हो गई बहुत ज्यादा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ओके मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लार्ज डैम्स दैट सर्व सेवरल पर्पसेस इन एडिशन टू इंपाउंडिंग द वाटर ऑफ अ रिवर एंड यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करो एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत सारे प्लांट्स तुम वहां पे कुछ एडवेंचरियस पार्क बना सकते हो रिवर राफ्टिंग करवाया एंड ऑल तो वो सब वही होगा क्योंकि पानी इकट्ठा किया है तुमने वो पानी इकट्ठा किया है एक ही पानी को बार बार यूज करो कितने सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ओके सिर्फ एक काम किया है क्या किया डैम बना दिया ओके पर्पज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भाई ले दुबलापन ओके चलो दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड सरासर झूठ है लेकिन लिखना पड़ेगा ओके फ्लड कंट्रोल करता है फ्लड कंट्रोल करता है मतलब देखो जहां ज्यादा फ्लड आए ना वहां पे डैम ही नहीं बनाना चाहिए वो डैम वो हम कुछ अच्छा नहीं बुरा कर रहे हैं जहां पे फ्लड आ रहा हो वहां पे तुमने डैम बनाया ना तो वो एक इट्स नॉट गुड ओके अभी आएगा वो भी आएगा चेक सॉइल इरोजन प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज जनरेट ये करेक्ट ये हमने जो मल्टीपर्पज तो क्या क्या पर्पज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सॉइल इरोजन को रोकना फ्लड को कंट्रोल करना सॉइल इरोजन रोकना इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री के लिए पानी विलेज के लिए सिटी के लिए पानी प्रोवाइड करना इनलैंड नेविगेशन मतलब क्या कि वहां पे डैम बना दिया है अब डैम बनाया तो वहां से जो रिवर है तो रिवर से नेविगेशन होता है पहले के टाइम पे रिवर से ही नेविगेशन होता था जहां जहां रिवर है वहां वहां से चल के क्योंकि रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जहां रिवर होगी वहां से पता चलेगा तो जहां पानी ऐसे भरा हुआ होगा डैम है तो वहां से नेविगेशन कर सकते हैं कि इसके आसपास लैंड है फिर इसके बाद फॉरेस्ट होगा वैसे नेविगेट कर सकते हैं हम अब तो गूगल का जमाना है बट पहले ऐसे करते थे हम
ओके, वाइल्ड लाइफ को भी डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, ये सारे ही वहां पे, मतलब ये सारे ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इतने सारे पर्पज एक ही प्रोजेक्ट से सर्व हो जा रहे हैं, इतने सारे पर्पजेस। सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन कौन से है, मैं अपने क्वेश्चन देखा था जो नहीं आया वो ये है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बिल्ट ऑन रिवर दामोदर बेनिफिट, ये अगेन जो पहला वो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वापस एक एक मार्क में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, कौन सी रिवर कौन सा स्टेट बेनिफिशियल स्टेट है, वो एक एक मार्क में या पूरी थियरी पूछी जा सकती है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दामोदर रिवर पे और बेनिफिट किसको मिलता है, झारखंड वेस्ट बंगाल, भाखड़ा नागल को हमने देख लिया था मैप में, सतलुज रिवर पे है और बेनिफिट कौन ले रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश, चार चार ऑल नेबर कंट्रीज, ओके स्टेट्स। हीराकुंड बिल्ट ऑन महानदी ओडिशा, ओके। कोसी बिल्ट ऑन कोसी, बेनिफिशियरी बिहार एंड नेबरिंग कंट्री नेपाल, याद रखना नेपाल में है, कौन सी दूसरी कंट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल, ओके। चंबल वैली राजस्थान, ओके, तो बिल्ट ओवर रिवर चंबल, बेनिफिशियरी स्टेट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी जो हमने देखे वही सारे रिपीट, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सबको, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, ये जो बोला ना हमने रिवर राफ्टिंग एंड ऑल, उसको रिक्रिएशन बोलते हैं, ओके, कि मतलब तुमने वहां पे आर्टिफिशियल रिसोर्ट बना दिया, आर्टिफिशियल लेक और से वो क्या होता है फॉल, वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना दिया, आर्टिफिशियल लेक बनाया, ओके, वाटर पार्क बना दिया, अच्छा इनलैंड नेविगेशन, पिस्सिकल्चर एंड सॉइल कन्वर्जन, इसमें कुछ नया हो तो वही है रिक्रिएशन वाला, ओके भाई सबके एक सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना, ऐसा हो नहीं सकता, तो डिसएडवांटेज देखते हैं, फेलियर टू फुलफिल देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, लाइक देखा आया ना सरासर झूठ है बोला था, ये गलत बात है, लिख दी थी एडवांटेज में, कुछ फ्लड कंट्रोल होता नहीं, ओके। एंड द डिसएडवांटेज रिजल्टिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग सच अ प्रोजेक्ट्स, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स, नेचुरली जो हो उसको तुमने छेड़ा ना, दैट इज नॉट गुड, ओके। तो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स इफेक्ट होता है, कॉज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड एडवर्सली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, डैम है ना वो साइड सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा सेडिमेंट्स होगा और एक्वेटिक लाइफ वहां की अफेक्टेड होगी। द रिजर्वॉयर दैट क्रिएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ओवरफ्लो एंड सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन सॉइल कंसिक्वेंटली लीडिंग टू देयर डीकंपोजिशन, वहां का फॉरेस्ट वहां के जो लोग हैं उनको भी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से नर्मदा डैम जब बन रहा था उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी टॉपिक है हमें आगे आएगा आगे। सो ये सारे डिसएडवांटेज है, तुम कोई रिवर पे डैम बना दोगे तो पानी तो सारा ये साइड भर जाएगा, वहां जो लोग रह रहे हैं वहां का फॉरेस्ट सब कुछ सबमर्ज हो जाएगा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, उनको डिस्प्लेस अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लॉस ऑफ देयर लिवलीहुड, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड ओवर इरिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ, ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी दे दिया तो भी प्रॉब्लम, ओवर इरिगेशन की वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होगा, क्रॉप का तो होगा ही लैंड का भी डिग्रेडेशन होगा, कॉज वाटर बॉर्न डिजीज पेस्ट एंड पॉल्यूशन। डैम्स भाई पता ही है डैम्स क्या है, एडवांटेज ये भी पता ही है, वाई जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स है कौन, डैम्स। एक बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विद द इंडस्ट्रीज, देयरफॉर नेहरू जी, मतलब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ और जो भी हमने देखा इतने सारे पर्पजेस उसके साथ लिंक करता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था, ओके, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, टेंपल्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया बताया गया था किसको, डैम्स को, अपना जो सरदार सरोवर डैम है उसका स्टार्टिंग जो स्टोन डालना होता है भूमि पूजन, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1956 में, सोचो कितने साल लग गए बनाने में, ओके, 2019 मतलब बन तो गया था लेकिन उसकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती थी, लेकिन अच्छी खासी हाइट आने के लिए 2004 में एक अच्छी खासी हाइट आ गई थी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके,
2004 फिर धीरे 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 हाइट बढ़ती गई. ओके मोदी जी के आने के बाद जो हाईएस्ट हाइट हमने मांगी थी वो भी मिल गई. ओके मतलब 137 मीटर के ऊपर हाइट थी, वो पहले नहीं मिल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी. मोदी जी गए, कोई बात नहीं दे, एज अ सीएम मांग रहे थे परमिशन, नहीं मिली, फिर खुद पीएम बन गए और बोला कि वो परमिशन भेज गुजरात के सीएम को बोला परमिशन भेज, परमिशन आई और पास कर दिया. ओके चलो, सो द यूज ऑफ इम्पाउंडेड वाटर आर इन इंटीग्रेशन विथ विथ वन ऑन अनदर, मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों ऐसा रेफर किया जा रहा है. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू, वही सारे पॉइंट है, टूरिज्म नया पॉइंट है, टूरिज्म भी बढ़ेगा, नया पॉइंट है, ये भी एड कर दो उसमें. ओके सर, मोदी जी जब सीएम थे तब पीएम थे हमारे, क्या नाम मनमोहन सिंह जी पीएम थे, वो भी कंटिन्यूअस दो बार रहे, मतलब 10 इयर्स कांग्रेस. चलो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, भाई इंडिया के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके तो देखा जवाहरलाल नेहरू टेम्पल्स ऑफ इंडिया, अगेन रिपीट, इट वुड इंटीग्रेट द डेवलपमेंट, यस दैट इज इम्पोर्टेंट. नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन आता है. पॉइंट वही है कि भाई सब कुछ सबमर्ज हो जाएगा, लोगों को कम्युनिटीज को रिलोकेट करना पड़ेगा, वही सारे पॉइंट है. और मूवमेंट अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात ऑर्गेनाइज्ड बाय एनजीओ एंड मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल फार्मर्स एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने मिलके ये प्रोटेस्ट किया था. इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन, ये जो हम बोल रहे थे, फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल, स्टार्ट हुआ था एनवायरमेंटल इश्यू के साथ, रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर. स्टार्ट ये टॉपिक से हुआ था और खत्म हुआ था, मतलब लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट पे ना रह के लोगों को जो रिलोकेट करना होता है उसका वो पॉइंट बन गया था. ओके लेटर रिफोकस्ड द एम टू गेट फुल रिहेबिलेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल. ओके कि भाई नया उनको देना पड़ेगा, तो अब कोई पूरी लाइफ जहां पे रहा हो उसको तुम बोल दो कि भाई सब खाली करके वहां जाओ, तो सही में वो थोड़ा हार्श डिसीजन हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए थोड़े लोगों की, मतलब ये क्या बोलेंगे, करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन होगा. वी आर नॉट कमेंटिंग इन दैट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर ही रहे हैं सालों से. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपली इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑन विच रेन फॉल्स. जहां भी रेन फॉल करे वहां से हार्वेस्ट कर लो, छत पे गिरेगा तो पाइपलाइन से टंकी में भर लो, एंड सब्सिक्वेंटली स्टोरिंग दिस वाटर फॉर लेटर यूज. नॉर्मली वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोर्ड रेन वाटर टैंक्स. सर, इंडिया में ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा. कर्नाटका, केरला, गोवा, सब बोल दो. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, नहीं चेन्नई तो तमिलनाडु. सर केरला ना, सर केरला. चलो कौन है, मैं भी श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं आंसर अभी नहीं. देखो सर, ऐसा अनुमान लगा दे, मैं भी श्योर नहीं हूँ इसलिए आंसर नहीं बता रहा, बट मुझे भी कंफ्यूजन है, सो बेटर वी विल गूगल इट बाद में. ओके 21 मार्च, ये नहीं पूछे, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है भाई, पानी बचाओ, to meet increasing demand of water, reduce runoff, to avoid the flooding of roads, augment the groundwater storage and raise the water. जो जो गलतियां होती थी वो ना हो, वो ही सारे पॉइंट है कि रेन वाटर से वो सब नहीं होगा. ओके to reduce the groundwater pollution, pollution होता था वो नहीं होगा. to improve the quality of groundwater, quality degrade होती थी तो वो नहीं होगी, वो improve होगी. सबको उल्टा लिख देना है. to supplement domestic water requirement during the summer and long dry spells. मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये पर्टिकुलरली वर्क है जो यूज हुए हैं
पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक दी गर्ल्स एंड कर्ल्स ऑफ दी वेस्टर्न हिमालयस, मतलब एक डाइवर्जन चैनल ऐसे बना दी जाती है और उसके ऊपर पानी गिरेगा, वो चैनल जाती है एक पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक में और उसको रीयूज करते हैं। नाम याद रखना उसका, गर्ल्स एंड कर्ल्स। ओके, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड टैंक्स एंड टैंक्स फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर इन बीकानेर, फलोदी एंड बैनर, बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। एक मार्क का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहां पे यूज होता है, दैट इज मेघालय। अभी होता है? हां अभी भी होता है। देन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगेन वही सब कुछ है। देन बेम्बू ड्रिप इरिगेशन, टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर फॉर इरिगेशन बाय यूजिंग बेम्बू पाइप्स। पोलर पानी, पीने लायक पानी। ओके, द रेन वाटर विच इज स्टोर्ड इन ग्राउंड अंडरग्राउंड टैंक्स इज पोर्टेबल वाटर, इट इज कॉल्ड पोलर पानी। ओके, पालर पालर, मैं पहले से ही पोलर बोल रहा हूँ तो पोलर ही बोल दिया, पालर पानी। ओके, सो पालर पानी, बट दैट इज अ पोर्टेबल वाटर जो हम यूज कर सकते हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हम पीते हैं रेन वाटर। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द पालर पानी इन द एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, क्या क्या है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज हैव ड्राइड अप। इट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन दैट एरिया। इन समर दीज टैंक्स वुड कीप द अंडरग्राउंड रूम कूल एडजॉइनिंग देम क्लीन। ओके, मतलब उसके आसपास का जो भी एरिया है वो कूल रहेगा, वो तो ऑब्वियस है, जो तुम्हारा टैंक होगा उसके आसपास का एरिया है वो हमेशा कूल ही रहेगा। नेगेटिव इफेक्ट्स, जैसे कि हमारे घर में किचन में सपोज वो पॉट होता है अर्थन क्ले पॉट, तो उसके आसपास के एरिया हमेशा कूल ही रहता है। ओके, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओवर इरिगेशन, सॉइल इरोजन होगा, अभी तो देखा था हमने ज्यादा पानी दे दिया। सो दिस हैज अ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक स्टेनाइजेशन ऑफ द सॉइल, मतलब कि सॉइल में नमक का कॉन्टेंट बढ़ जाना। ओके, सलाइन वाटर बोलते हैं ना वैसे, तो उसमें जो कार्बोनेट्स होंगे वो सारे अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, फिर क्रॉप भी इतने ज्यादा अच्छे से नहीं होंगे, एंड लीड्स टू द वाटर स्कैर्सिटी, के वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी। क्यों भाई? ओवर इरिगेशन, जहां जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया, तो जहां देना चाहिए था वहां पे नहीं मिलेगा। तो वही हमारा पूरा चैप्टर, ये वीडियो ठीक है, भेज दो सर। हम लोग जो वाटर लेवल बढ़ रहा है उसमें दो लोग सर, जो वाटर लेवल बढ़ रहा है उसमें हम कैसे कर सकते हैं? वाटर लेवल ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, हम है ना पेट्रोल डीजल की जगह है हम लोग गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन की गाड़ियां यूज करें, तो अगर हाइड्रोजन की गाड़ी बनती है तो हम लोग एसटी की गाड़ी बना सकते हैं, कर सकते हैं, बट एक मतलब इन फ्यूचर हमें कहना क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अगर सब लोग वो अडॉप्ट कर लेंगे तो वो तो चला ही जाएगा अपने आप ही। हाँ क्या एक्सेप्ट कर लेगा वो सब चला जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ था, हमें पता चला कि भाई अच्छा सीएफसी बंद करो, ये करो वो करो, तो फिर वापस वो कम्प्लीट हो गया, अभी कोई ऐसा डिप्लीशन नहीं है। इसका मतलब क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल तो नहीं बोलेंगे बट क्रूड ऑयल का मिसयूज बोलेंगे, क्योंकि उसका मिसयूज हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, हॉटनेस बढ़ी और ग्लोब वार्म हुआ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, और ज्यादा वार्म हुआ तो ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हुए एंड देन ओशन का लेवल बढ़ा। तो मेन चीज है कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है हर साल बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, ज्यादा व्हीकल्स व्हीकल्स भी है, मतलब बहुत सारे हैं, उसमें से एक रीजन है व्हीकल्स है। हम इसे इलेक्ट्रिक कर देंगे या फिर सोलर पावर कर सकते, बैटरी लो, एनवायरमेंटलिस्ट कर क्या, क्या 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 एनवायरमेंटलिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, उनको जो सोसाइटी की ओपोजिशन वाली जो मतलब मेंटालिटी, सोसाइटी की मेंटालिटी ओपोज होती है, ओके, वो लोग करप्ट कर देते हैं या तो फिर उनकी आवाज दबा देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस कम देते हैं। नहीं तो एनवायरमेंटलिस्ट सोशलिस्ट अपना काम कर रहे हैं, जैसे ये एनजीओ का हमने देखा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओके, तो वो लोग ने काम किया, एनजीओ कितना काम किया, बट वो काम किया लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सपोज पीने का भी पानी नहीं है,
कोई जगह पे उन लोग को पीने का पानी मिले, इरिगेशन के लिए फैसिलिटी मिले, तो डैम की हाइट बढ़ाना जरूरी था, ऐसा हमने गवर्नमेंट ने बोला, हम नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट ने बोला। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की डिमांड भी सही लग रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो डिमांड है वो भी सही लग रही है। ह्यूमैनिटी के बेस पे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी ह्यूमैनिटी ही है, वो कोई घर में पानी नहीं ला रहे हैं, वो दूसरे ह्यूमन को पीने के लिए भी पानी नहीं है, यहाँ तो रहने की बात है तो कोई और जगह रह लो, वहां पीने के लिए पानी नहीं है तो पीने के लिए पानी भेजा। सो इट इज अ डिबेटेबल, ओके, बट एनवायरमेंटलिस्ट और से सोशलिस्ट वो काम तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि हम उनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। देते है? हम देते हैं, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट देनी चाहिए, ओके, गवर्नमेंट अगेन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट इम्पोर्टेंस देगी, और जो एकदम ट्रू सेंस में नेशन के लिए काम कर रहा होगा वो प्रॉफिट नहीं सोचेगा, अपनी वोट बैंक का नहीं सोचेगा, अपनी पार्टी का नहीं सोचेगा, लेकिन इंडिया का सोचेगा। तो वैसा कोई पॉलिटिशियन हो तो यस दे आर वर्किंग, बट ऐसा कोई नहीं है। वही चीज है ना, अभी हो रहा है, वहां पर भी क्रांति आ रही है धीरे धीरे, सब लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि हम कितना कुछ वुमन एम्पावरमेंट के लिए किया तो हम इतने आगे आ गए, बहुत लोग कर रहे हैं। देखो अगर हमें बहुत सारी चीजें गलत दिख रही है तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि वो गलत चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। अपने आप को चेंज करके, सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, देन एक रास्ता है एजुकेशन, कि तुम ऐसे अवेयरनेस फैला सकते हो, फिर तुम्हें चॉइस तो मिलेगी कि तुम्हें कौन सी फील्ड में आगे जाना है, कौन सी जॉब करनी है, तो मिलेगा। अरे ऐसा समझो कि पुराने सिस्टम में चले गए, एज अ हस्बैंड और वाइफ हमें कुछ करने का इतना फ्रीडम नहीं मिला, फिर भी तुम अपना एक एक वेबसाइट तो बना सकते हो, एक यूट्यूब चैनल तो बना सकते हो, अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हो, तुम खुद नहीं कर सकते तो लोगों को तो इकट्ठा कर सकते हो कि ये गलत है, जो मार्टिन लूथर किंग ने किया था उतना तो कर सकते हैं हम कि भाई ये गलत है ये सही है, अवेयरनेस को फैलाओ ना, मतलब अभी सिर्फ तुम्हें गलत लग रहा है, तुम ऐसी अवेयरनेस फैलाओ कि हजारों लोगों को वो गलत लगे, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 1000 लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो उसको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में तोड़ना मुश्किल है, एक को कोई तोड़ देगा लेकिन ग्रुप टीम वर्क को कौन तोड़ेगा, तो एटलीस्ट हम ग्रुप भी नहीं बना सकते तो अवेयरनेस फैलाओ, फिर हमारी अवेयरनेस हमारी फिलोसॉफी और उनकी फिलोसॉफी वाले जितने भी सेम फिलोसॉफी वाले मिलेंगे ग्रुप बड़ा होगा, और ग्रुप बड़ा होगा तो वैसे ही जीत जाएंगे हम। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सैक्रिफाइस, ये तो करने की बात है, कितने सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे, बीच में कितने सैक्रिफाइस आएंगे, अपनी फैमिली को थोड़ा दूर रख के सोचना पड़ेगा, शायद इकोनॉमिकली भी हमें तकलीफ हो जाएगी, ये काम में तो पैसा ही नहीं है और सबसे बड़ा तो पैसा ही है भाई, पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं रहा, कितने सारे सैक्रिफाइसेस आएंगे, वो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे अगर तुम्हें सोसाइटी को प्रायोरिटी रखी है तो उसको प्रायोरिटी रखो, फिर दूसरा प्रायोरिटी मत रखो। तो ये सारी ही बातें हम जब भी ऐसे मैं बोल रहा हूँ बाद में करेंगे, फिर वो तुम्हारा इंटरेस्ट रहा तो बाद में होगा, करेंगे बाद में, हाँ, और अगर नहीं रहा इंटरेस्ट तो फिर ये सब तो मैं पहले करके छोड़ चुका हूँ, मतलब थोड़ा नहीं छोड़ चुका सारा नॉलेज मैंने पहले ग्रैब कर लिया है, ये सब जो लोग अभी कर रहे हैं ना ये मैंने पहले ग्रैब कर लिया, अच्छा चलो तो दैट इज एंड दैट्स इट फॉर द होल सिलेबस ऑफ एसएसटी जियोग्राफी एंड क्लास 10। सो हमारी इतनी लंबी जर्नी यहाँ कंप्लीट होती है एंड बंद किया नहीं कोई नहीं, बट ये जर्नी है, हमने बहुत कुछ सीखा,
मटेरियलिस्टिक एजुकेशन के रिलेटेड एंड जैसे हमारे क्लास का टैगलाइन है बियॉन्ड द बुक्स आल्सो, तो ये सबको हमें लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। आगे भी जितनी बार हम डिस्कस कर सके करेंगे, हमारा इंटेंशन है, तो हमें सिचुएशंस हेल्प करेगी, हमें जो गुड फोर्सेस है वो हमें हेल्प करेगी ऐसे डिस्कशन करने में। देखो अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो हमें पूरी दुनिया, मतलब बोलते हैं ना इतनी सिद्धत से अगर तुम कुछ चाह रहे हो तो पूरी दुनिया तुम्हें वो करने के लिए हेल्प करेगी। ओके बट वो तुम्हारा होना चाहिए, वो सही सेंस में होना चाहिए, तो दुनिया हेल्प करेगी, तब नेचर भी हेल्प करेगा, सब तरह से हेल्प मिलेगा, फिर तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे लोग। ओके बट वो होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर होल क्लास से 9th भी 10th भी। ओके सो मजा ही आया है, मैंने कुछ ज्यादा कुछ मैंने ट्राई तो किया है कि तुम लोगों पे गुस्सा ना करो और से बहुत ज्यादा पनिशमेंट ना दू, फिर भी शायद कभी कभी तुम्हें दो दो तीन तीन बार कुछ लिखने को दिया हो या फिर एज अ पनिशमेंट उठक बैठक करवाई हो, तो दोज ऑल थिंग्स, और कभी डाटा भी हो। ओके डाटा हो तो डाटा कभी डाटा भी हो तो those all things were just for the improvement of yourself. अभी last में ही डाटा था, वो science का paper उठाया था, तो वो betterment के लिए ही था, कुछ ऐसा था नहीं। ओके फिर भी ऐसा कुछ लगे तो that I'm sorry, not sorry, it's okay. ओके then चलो बात ज्यादा नहीं करेंगे नहीं तो फिर इमोशनल हो जाएंगे। आते रहेंगे।